नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। जिला मुख्यालय पौड़ी में ठेकेदार संघ ने रॉयल्टी पर जारी नए शासनादेश के विरोध में निकाली महारैली। शुक्रवार को रॉयल्टी पर सरकार द्वारा जारी किए गए नए शासनादेश के विरोध में हिमालयन पर्वतीय ठेकेदार संघ द्वारा शहर में महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान ठेकेदार संघ के अध्यक्ष संतन सिंह ने कहा कि उन्हें प्रधान संगठन जिला पंचायत द्वारा भी समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रॉयल्टी पर शासनादेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे छोटे ठेकेदारों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। बताया कि वहीं शासनादेश में जो शर्तें छोटे ठेकेदारों के विरोध में हैं, उन्होंने कहा कि जिससे ठेकेदारों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पहुँचे जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया और कहा कि सरकार अभी भी नहीं चेतेगी तो ठेकेदार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भाई लोगों, पत्रकार भाइयों, अभी ये सोच रहे थे कि दो आदमी तीन आदमी जो है धरना स्थल में बैठ रहे हैं। एक कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि रॉयल्टी है क्या है, हमारी समझ में भी नहीं आई थी, पर जब हमने लोगों की सलाह ली तो उन्होंने कहा रॉयल्टी ये है। जिन्होंने रॉयल्टी की शर्तें रखी कठोर शर्तें रखी है, 2 लाख रुपए का फैन पड़ेगा, मतलब 2 लाख का बाउंड है और 4 लाख रुपये फैन पड़ेगा। ये 18 से लागू कर रहे हैं, ये रॉयल्टी सरासर हमारे पक्ष में नहीं है। अभी तो इसका भारी विरोध होगा, उत्तराखंड में लगभग इसका विरोध हो चुका है, देहरादून में भी इसको परसों विरोध, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है प्रमुख अभियंता को, वहाँ भी कार्यालय बंद होंगे। आगे और लड़ाई है, अभी आप देखते जाओ। ठेकेदार संघ जो है उनके सभी प्रतिनिधियों के द्वारा जो है आज जनपद में एक रैली निकालकर शासनादेश में जो रॉयल्टी के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ज्ञापन भी शासन को संदर्भित करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है, उनका ज्ञापन स्वीकार किया गया है और उनका प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया गया है कि अपना जो भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको शांतिपूर्वक संपन्न करें और किसी भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, तो उससे जो है जनपद में व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।